बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लम्बिंग एक्सपर्ट आर्यन चैनल में। दोस्तों आज लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो है मेट्रोपोल रिपेयरिंग के बारे में। ये मेट्रोपोल है पेरीवायर कंपनी का। मैं पहले जेक्वार का वीडियो बनाया था, जेक्वार कंपनी का रिपेयरिंग कैसे करते हैं आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए इस वीडियो इसमें जो अपना मेट्रोपोल का प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। मेट्रोपोल में प्रॉब्लम क्या है कि पुश करने के बाद में रिटर्न नहीं आता है, वो ऐसा फंस जाता है तो रिटर्न नहीं आता, उसको खींच के निकालना पड़ता है। तो वीडियो पर अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही इजी मेंटेनेंस है। और इसमें क्या है ना, खर्चा बिल्कुल कम है। अब मैं बताता हूँ, आप मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो पर अंत तक बनी रही है, ठीक है। 5 मिनट का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आपको पहले ऐसे खोल लेना है इसको, उसके बाद में खींच के बंद कर लेना है, फिर कॉप बंद हो तो कॉप बंद करना, नहीं तो मेट्रोपोल को घुमा घुमा के बंद कर लेना है। इसके बाद देखिए पानी नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। इसके बाद में इसको देखिए, पहले लॉक है, लॉक को स्क्रू ड्राइवर से खींच के ऊपर लेना है तो निकल जाएगा आराम से। इसके बाद में वो देखिए लॉक खोलने के बाद में स्प्रिंग के साथ में निकल जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन दिखेगा आपको पेरीवायर कंपनी में जो है ऑलरेडी। ये थोड़ा अलग ही है दूसरा कंपनी से। देखिए ये मुझे जितना लगता है ये थोड़ा इजी, मतलब बहुत इजी है रिपेयरिंग करने में। और क्या, पूरा ग्लास का बॉडी पूरा का पूरा अंदर से, जो दूसरा कंपनी का PVC है लेकिन ग्लास का है पूरा अंदर का बॉडी। देखिए इसको खोलने के बाद में आपको पूरा किट निकल के आएगा। देखिए एक किट ऐसा ही होता है। देखिए अंदर थोड़ा गंदा हो गया, ब्लैक कलर का खार जम के खारा, ये जो खारा पानी है ना थोड़ा काला पड़ जाता है। देखिए किट और ये जो पिस्टन ऐसा है, अब इसको इधर से पुश करके निकाल लेना है। निकालने के बाद जो सलिया है ना, जो ये जो सलिया दिख रहा है इसमें ब्लैक कलर का थोड़ा देखना है, काट जम गया है, थोड़ा खार लगा है। तो देखिए इसको आरे पत्ती से साफ करना है, टूटा हुआ आरे पत्ती से। क्या ना जो भी खार जमा हुआ है ना तो थोड़ा वो पतला हो जाएगा सलिया, तो क्या ना वो रिवर्स आने में, पुश करने के बाद में रिवर्स आने में इजी रहेगा। देखिए बहुत ही आराम से साफ करना है पूरा का पूरा, सलिया में जो काट लगा हुआ था साफ कर देना है बराबर से। कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, मतलब रहना नहीं चाहिए। और उसमें जो आप एमरी पेपर यूज करते हो ना वो मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप हो जाता है। तो इसमें क्या आरे पत्ती में क्या ना स्मूथली जो खार जमा है वही होगा, एमरी पेपर मत यूज़ कीजिएगा। भाई एक बार जो रेती का दाना आता है ना तो उसमें थोड़ा स्क्रैच पड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। देखिए इसको फ्रीली चेक कर लेने, एक बार लगा के ऐसा कंफर्ट नहीं लग रहा है तो क्या है, साथ में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ऑयल देना पड़ेगा चेक करने के लिए, बस ऑयल में काम करेगी नहीं करे। आप ग्रीस भी यूज़ कर सकते हो ग्रीस। देखिए अभी ऑयल में ऑलरेडी पहले चेक करेंगे ऑयल में कितना हो रहा है कैसा हो रहा है। अंदर पूरा अप्लाई हो जाना चाहिए कोकोनट ऑयल, उसके बाद में देखिए उसके ऊपर सलिया के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या ना रिवर्स और पुश होने में और रिवर्स आने में इजी रहे। वो सलिए की वजह से हो रहा था ऐसा, सलिए में काट लगा हुआ था इसके लिए वो पुश नहीं आ रहा था। अब देखिए कैसा फ्री हो जाएगा, अब 2-3 जगह से तेल डालने के बाद में ऐसा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मतलब पुश पुल बहुत अच्छा होगा, पुश भी होएगा अच्छे से और खींच के निकल के आएगा अच्छे से। प्रॉब्लम ये था कि पुश होने के बाद में रिवर्स नहीं आता था घूम के, मतलब जो वापस आके पानी बंद हो जाएगा वो नहीं होता था, पूरा का पूरा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहता था या पूरा का पूरा चलता रहता था, पूरा बंद नहीं होता था। अब देखिए कितना फ्री हो गया, देखिए अब आप आराम से देख सकते हो, मतलब ये वाला जैसे पुश होगा और रिटर्न होगा इतना आराम से हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले जब मैंने खोला इतना ही होता था। देखिए अभी आराम से ऐसा होएगा पुश पुल। अब देखिए इसमें यहाँ पे लगाना है, इसके अंदर जो कचरा है ना इसको पहले पानी से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो भी अंदर कचरा है हमने डाल के साफ़ कर लेना है। थोड़ा पानी का स्प्रे पिचकारी मार देना है तो हाथ से पानी डाल के साफ कर लेना है। अब इसमें इसके बाद में जो ये जो किट है, किट को ऐसे डालना है, स्क्वायर में आता है इसका अंदर का सड़िया, वहाँ पे बॉक्स में फंसना चाहिए। फिर इसको आप आटा में से टाइट कर दो, क्या है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये वाला चीज़। इसमें से सिलाई रेंच लगा के आप घुमा घुमा के टाइट कर दो बराबर से, टेढ़ा मत नहीं चढ़ाना है, टेढ़ा चढ़ेगा तो आटा ख़राब हो जाएगा। आराम से इजीली दो तीन आटा चढ़ाने के बाद में पाना लगाना है, क्योंकि पहले आटे से अगर पाना लगाओगे तो पाना का जो अपना उसका आटा ख़राब हो जाएगा, फिर चढ़ेगा नहीं। इसके बाद में स्प्रिंग डालना है और कटोरी डालना है। देखिए इसके बाद में आपको एक लॉक डाल के लॉक कर देना है, फिर लगा देना है तो पकड़ने से थोड़ा दबा देना है, क्योंकि लॉक वापस निकल ना जाए इसके लिए उसको वापस दबा देना है थोड़ा सा। अब देखिए कितना फास्ट निकल गया है, देखिए पुश करने के बाद में। अब कॉक चालू करेंगे, बाहर साइड में कॉक था। अब देखिए इसका पानी फ्लस बन हो रहा है, बराबर बन हो रहा है, देखिए बराबर बन हो रहा है। फाइनली जो खड़ा लाइन में पानी होता है वो तो बंद होता है, तो टाइम लगता है, तुरंत बंद नहीं होगा।
अब देखिए फाइनली आपको पूरा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, आपको शायद यकीन ही नहीं होगा। चलो पूरा दिखाता है, इसको एक रुपये भी खर्चा नहीं गया, बस हैंड हाथ का सर्विस है ये। वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर का बटन को और बाजू बेल आइकन आएगा उसको दबा लीजिए, मेरा नया नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जान सकते हो मेरे वीडियो को देख सकते हो। चलिए इसके बाद में इसको नॉप लगा लेना है, इसके बाद में इसका ग्लोसी ये लगा लेना है। देखिए इसके बाद में आप पुश करके एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आराम से रिवर्स आ रहा है, फ्रीली रिवर्स आ रहा है। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं, तब तक गुड बाय, जय हिंद।